दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और होगी एक नए दिन की शुरुआत। तो चलते हैं, आज हम जा रहे हैं घूमने, तो आपको दिखाते हैं पूरे रास्ते का ब्लॉग। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं रास्ते से निकल रहा हूँ घर से। सुबह का टाइम है दोस्तों और मौसम आप लोग देखोगे तो बहुत ही प्यारा हो रखा है, आप आगे देख सकते हो। तो आज एक नई डेस्टिनेशन पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जसपुर और हमने डिसाइड किया था जसपुर वाली रोड से जाने का। तो यहाँ की रोड जो है वो अभी बहुत कच्ची है, तो मैं उतर चुका हूँ यहाँ पे। बाइक में दो आदमी नहीं जा सकते, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी पुल बनना है, नीचे आप देखोगे नदी पे, तो इधर पुल बनेगा, वो रोड सामने जा रही है। तो ये बाइक वाले जो भी आते हैं वो इस पुल से आते हैं, इधर से जाते हैं। ये बहुत ही पुराना पुल है। तो आप इधर देखोगे दोस्तों, ये है नदी जसपुर, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर आप देखोगे दोस्तों वहाँ तक, तो ये है कच्ची रोड, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है। तो ये अभी पूरा बना नहीं है, जैसे ये बन जाएगा तो यहाँ से जाने के लिए कम से कम यहाँ से करणप्रयाग हमें थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो ये रास्ता अच्छा हमारे लिए नज़दीक पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ इस चढ़ाई से ऊपर और आप नीचे का व्यू देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा धीरे धीरे और ऊपर वाला जो बैंड है वहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, इस रास्ते पता नहीं इधर से ही रास्ता होगा। धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं। उधर देखोगे दोस्तों तो ये है चांदपुर गढ़ी और वो है मथुरा खाई, ये बैनोली के नीचे। और ये है दोस्तों जसपुर गांव यहाँ पे, और ये है नीचे नदी। यहाँ पे दोस्तों ये पेट्रोल पंप भी बना हुआ है। और ये जो रोड है ये है मेन हाईवे, ये जा रहा है गैरसैंण कुमाऊं साइड। तो अभी हम दोस्तों आ चुके हैं पोखरीवारी रोड पे और यहाँ से मैं आपको करणप्रयाग का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दोस्तों करणप्रयाग मार्केट, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ये आप पूरा देख सकते हैं। और ये जो आप सामने रोड देख रहे हो, ये वाली रोड जो जा रही है, ये जा रही है बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ वाला हाईवे है और इस साइड के लिए यहाँ से जाओगे तो ये जा रही है सीधा हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, यह है प्रतीक्षालय यहाँ पे बना हुआ और सामने है भैरव मंदिर, आपको दिखाता हूँ। ये है भैरव मंदिर, जय भैरव बाबा की, ये आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम रुके हुए हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा सा स्कूटी में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि रोड यहाँ की बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा नीचे और यहाँ से आपको दिखाता हूँ पोखरी मार्केट का नज़ारा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह थी तो मैं यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लेते हैं। ये है दोस्तों पोखरी, आप देखिए पोखरी मार्केट, ये सामने। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं कनक चौरी में और यहां से कार्तिक स्वामी के लिए 3.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल है। देखिए तो यहां का व्यू आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे ऊपर कार्तिक स्वामी मंदिर में, और मंदिर है वो ऊपर टॉप पे,
तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी। तो अभी हम यहाँ से लेते हैं प्रसाद और ये है कार्तिक स्वामी का गेट, यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद। यहाँ पे है दोस्तों पार्किंग, ये है ऊपर जाने का रास्ता कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए, 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई। ये लोग जा रहे हैं ऊपर कार्तिक स्वामी के लिए। दोस्तों इस चोटी पे हमें जाना है, ये आप देखिए ये है कार्तिक स्वामी मंदिर, तो चलते हैं। तो जंगल के रास्ते आगे जाने में थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ से नीचे है दोस्तों, थोड़ा दिखा दो यहाँ से नीचे, और यहाँ पे लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, जगह जगह पे बना रखे हैं दोस्तों आराम करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे जा रही है दोस्तों, काफ़ी लोग आए हुए हैं आज भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने के लिए। तो जगह जगह पे खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अब मंदिर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको दिखाते हैं मंदिर से, वो देखिए दोस्तों सामने मंदिर उस चोटी पे, और यहाँ पे आप घोड़े खच्चर से भी आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ की ज़्यादा दूरी है नहीं, 3.5 किलोमीटर है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो आराम आराम से आ सकते हैं। ये छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे, एक मिनी मार्केट आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ ये देखिए दोस्तों बहुत सारी दुकानें और काफ़ी भीड़ हो रखी है आज। यहाँ नीचे ये पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पे कार्तिकेय सुराज श्रेष्ठ मयूरी प्रिय बहन पता नहीं शायद ये भी मंदिर है। दोस्तों आप यहाँ नीचे देखोगे तो भंडारा भी चल रहा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए, तो ये भंडारा भी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप दूर से आ रहे हैं और थक गए हैं तो यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं और भंडारा का आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की ओर। ये है दोस्तों वनदेव की ओखली, फाइनली दोस्तों वहाँ से हम भगवान के मंदिर में पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ पे दान पात्र भी बनाए गए थे। तो ये है दोस्तों 80 सीढ़ियाँ यहाँ से भगवान कार्तिकेय तक पहुँचने के लिए। और जब आपके मन में श्रद्धा हो अपने देवी देवताओं के प्रति, तो कोई सा भी कष्ट आपके जीवन में हो वो सब टल जाता है, चाहे वो पैदल यात्रा करने का हो, चाहे का आपका शारीरिक कष्ट हो, सारे दुख आपके भगवान हर लेते हैं। और आज आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे, मेरा फोन का है।
पहुंच चुके हैं कार्तिक स्वामी मंदिर में और आज आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत सारी भीड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइन लगी हुई है और आप यहाँ से नीचे का नजारा देख सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे है भगवान कार्तिकेय की सवारी मयूर, ये आप देख सकते हैं।